हेलो दोस्तों, कैसे हुआ आ गए? तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग वेबसाइट्स को लेकर आए हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप एक यूट्यूबर हैं या फिर आप ब्लॉगिंग करते हैं या फिर कोई भी, तो आपके लिए वेबसाइट्स आपकी लाइफ को और भी आसान बना देंगी। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। आपको इसमें 7 वेबसाइट्स के बारे में मैंने यहाँ पर बताया हुआ है। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। स्वागत है मेरे चैनल टेक्नोपी के चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आपको कुछ जरूरी वेबसाइट्स जो आपको हरदम काम आने वाले हैं, ऐसे वेबसाइट्स के बारे में आपको बताने और दिखाने वाला हूँ दोस्तों। तो ये वेबसाइट्स काफ़ी यूजफुल है अगर आप एक यूट्यूबर है, एक ब्लॉगर है या फिर आप कोई भी अपना छोटा मोटा काम यानी बिजनेस करते हैं, तो उसमें आप टाइपिंग वाइपिंग या फिर वगैरह कुछ भी। तो आपको मैं इस वेबसाइट्स को ज़रूर आप एक बार ट्राई करना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वेबसाइट्स हैं जो आपकी लाइफ को ईजी बना देंगी दोस्तों। अगर आप एक कंप्यूटराइज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सीखते हैं या फिर कंप्यूटर के बारे में आपको कुछ भी नॉलेज भी है, तो यह आपके नॉलेज को और भी बढ़ा देगी दोस्तों। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप एक यूट्यूबर है, एक ब्लॉगर है या फिर आप कोई भी वेबसाइट्स आर्टिकल लिखते हैं, तो इसके लिए आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग या आपको वेबसाइट्स दिखेगी दोस्तों। तो इस वेबसाइट्स के बारे में हम बात करते हैं। तो इस वेबसाइट में आप अगर कोई भी कीवर्ड्स आप फाइंड करते हैं, जैसे कि आप कोई भी टॉपिक पर बनाते हैं, तो आजकल जितने भी कीवर्ड्स फाइंडर हैं वो सभी पेड हो चुके हैं दोस्तों। तो इसमें एक बात और है, इसमें आप जैसे कि मैं कोई भी यहाँ पर मैंने सर्च किया इसको, तो यहाँ पर अगर आप इसे सर्च करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारे आपको कीवर्ड्स यहाँ पर फाइंड करके देगी ये वेबसाइट, जो आप अनदर वेबसाइट्स पर अभी आप कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर कीवर्ड्स फाइंड करके दे दिया दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिखेगा कि कितने कीवर्ड्स इसने फाइंड करके दिए हैं आपको। तो यहाँ पर इसने 481 यानी 481 यूनिक कीवर्ड्स आपके लिए फाइंड करके दिए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ का आपको ट्रेंड्स एंड CPC आपको दिखाएगा 2-3 का, और आपको इसका प्रो टूल यहाँ पर लेंगे तो आपको सभी दिखेगा दोस्तों। यहाँ पर आपको दिखा देगा इतना कीवर्ड्स, आप एक बार ही इसे सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर कॉपी कर देख सकते हैं। यहाँ पर बटन आपको दिखेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आप कॉपी करके यूज़ कर सकते हैं। तो इस आप कीवर्ड फाइंड करने के लिए इस वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अपने अगले वेबसाइट्स की तरफ बढ़ते हैं। वेबसाइट्स यूट्यूबर और ब्लॉगर के लिए भी बहुत ही खास है, क्योंकि अगर आप यूट्यूब के लिए वीडियोज़ बनाते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, तो आपको ट्रेंडिंग टॉपिक्स नहीं मिलती या फिर आपको कोई भी टॉपिक नहीं मिलता कि इस पर वीडियो या आर्टिकल लिखा जाए। तो यह ट्रेंडिंग सर्चेज जो यूट्यूब या गूगल पर जो भी होता है उसको आपको दिखाएगी। तो यहाँ पर आपको सभी वेबसाइट्स के नीचे की तरफ आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, या फिर जहाँ पर आप वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे आपको दिखाई दे रहा है सभी वेबसाइट। तो इसका नाम है गूगल ट्रेंड्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसको अगर आप गूगल ट्रेंड्स गूगल पर लिखेंगे तो यहाँ पर ट्रेंडिंग सर्चेज पर जाने के बाद आप इसे टारगेट कर सकते हैं एक और कंट्री को, जिसमें आप मतलब जो भी वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर ट्रेंडिंग सर्चेज में यहाँ पर डेली सर्चेज, रियल टाइम सर्चेज, तो अभी का देखना है तो रियल टाइम सर्चेज आपको देखना है, और डेली सर्चेज जिस पर हरदम सर्च होता है, यानी कभी भी आप उस पर लिखेंगे या फिर वीडियो बनाएंगे तो वो ज़्यादा चलेगा। तो यहाँ पर मैं अभी रियल टाइम सर्चेज ट्रेंड्स के ऊपर जा रहा हूँ। तो कंट्री सिलेक्ट करना होगा, तो यहाँ पर मैं इंडिया सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक आपको दिखेगा 3 यहाँ पर, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना होगा, जिस कैटेगरी का आप कीवर्ड्स ढूंढना चाहते हैं। तो यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मेरा चैनल है, तो इस पर मैं क्लिक किया। तो इसके बाद आपको ट्रेंड्स जो भी ट्रेंड्स होंगे उसका आपको दिख जाएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं। और इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये भी दिखाएगा कितने सर्चेज हो रहे हैं, और तो इस पर आप वर्क कर सकते हैं। तो ये सेकंड वेबसाइट भी आपको बहुत ही अच्छा लगेगा दोस्तों, आप इसमें कैटेगरी वाइज सर्च कर सकते हैं। तो चलिए थर्ड वेबसाइट की तरफ बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं Pixabay.com, यहाँ पर आप देख सकते हैं Pixabay इस वेबसाइट का नाम है। इससे आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर इमेजेस, वीडियोस, फोटोज, ग्राफिक्स, इंसुलेटर्स एंड फोटोज आप सभी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। और ये आप फोटोज जो गूगल से डाउनलोड करते हैं उसमें अगर आप कहीं पर कमर्शियली यूज करते हैं या फिर यूट्यूब वीडियोज में या फिर अपने वेबसाइट पर, तो कॉपीराइट क्लेम आ जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर आप किसी भी इमेजेस को यहाँ पर सर्च करके, जैसे मैं कोई भी एक सर्च करके आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ पर SEO सर्च कर रहा हूँ, तो यहाँ पर SEO रिलेटेड जो फोटोज होंगे वो आप यूज कर सकते हैं विदाउट कॉपीराइट क्लेम। तो यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारे फोटोज आए हैं। तो यहाँ पर मैं कोई सा भी एक फोटो को सिलेक्ट करता हूँ SEO, तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं इस SEO फोटोज को सिलेक्ट किया। तो यहाँ पर देख सकते हैं Pixabay लाइसेंस फ्री फॉर कमर्शियल यूज, नो एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड। यहाँ पर आपको कोई भी एट्रीब्यूट
क्रेडिट कुछ भी नहीं देना है आपको, इस इमेज को यूज़ कर सकते हैं फ्री डाउनलोड यहाँ पर करके, और यहाँ पर अपना जो भी ग्राफिक सिलेक्ट करना है डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, कहीं पर भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। यह वीडियो यह वेबसाइट आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, एक बार जरूर ट्राई करके देखना दोस्तों। तो चलिए आज के लिए वेबसाइट की तरफ बढ़ते हैं, जरूर बताना दोस्तों यह वेबसाइट आपको कैसा लगा, कमेंट में नीचे वीडियो को जरूर कमेंट करना। यह वेबसाइट उनके लिए बहुत ही खास होने वाला है जो कंप्यूटर लैंग्वेज या फिर प्रोग्रामिंग HTML जावास्क्रिप्ट या फिर कोई भी लैंग्वेज जो कंप्यूटराइज लैंग्वेज होता है वो सीख रहे हैं दोस्तों जावास्क्रिप्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं HTML एंड CSS, जावास्क्रिप्ट, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग, वेब बिल्डिंग, XML ट्यूटोरियल, रेफरेंसेस सभी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैं ट्राई करके देखता हूँ, तो लर्न HTML इस पर मैं क्लिक किया और यहाँ पर आपको लाइव डेमो के साथ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉक टाइप HTML फाइल यहाँ पर दिया हुआ है, उसका यहाँ पर रिजल्ट जो है यहाँ पर ट्राई करने पर यहाँ पर आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है, तो यहाँ पर आप काफ़ी सारे लैंग्वेजेस यहाँ पर से सीख सकते हैं, तो इसे आपको ट्राई करके जरूर देखना चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने दिस इज हेडिंग यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर दिस इज हेडिंग, यहाँ पर HTML H1 हेडिंग टैग है ये, और यहाँ पर पैराग्राफ है P टैग में और H1 टैग में, यहाँ पर बॉडी HTML सभी आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप कुछ भी ट्राई कर सकते हैं जैसे टेक्नोलॉजी के, और यहाँ पर मैं इन टैग इसको इंट कर देता हूँ, यहाँ पर ये इंटैग हो चुका है। देख सकते हैं यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर किया, और यहाँ पर रन पर क्लिक करूँगा तो देख सकते हैं H1 टैग में यहाँ पर आपको टेक्नोलॉजी लिख दिया है। तो यहाँ पर आप फिजिकली भी इसको यूज़ करके आप देख सकते हैं, तो ये आपको बहुत ही अच्छी वेबसाइट आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए अगली वेबसाइट की तरफ बढ़ते हैं और ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए अगली वेबसाइट की तरफ चलते हैं। नए यूट्यूबर या फिर यूट्यूब खोलने वाले हैं तो आप अगर चैनल का नाम ढूंढने में बहुत ही दिक्कत होती होगी, काफ़ी बड़े बड़े यूट्यूबर इस वेबसाइट का नाम जानते होंगे क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े यूट्यूबर इसका यूज़ जरूर करते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं namecheck.com इस वेबसाइट का नाम है, और यहाँ पर देख सकते हैं फाइंड अवेलेबल यूजर है। तो अगर आप इसमें मैं जैसे कुछ भी आपको दिखाता हूँ, एक देख सकते हैं कोई भी अगर आप नाम ढूंढ रहे हैं, जैसे मैं ड्रॉप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पर एक नाम सर्च करके आपको बताता हूँ इसके बारे में, यह एक टूल है कि किस प्रकार का। तो यहाँ पर जब कभी भी आप एक यूजर नेम सर्च करेंगे तो यह वेबसाइट आपको डोमेंस और देख सकते हैं यह जो भी ग्रीन हो गया है, तो यहाँ पर अगर आप YouTube चैनल इस नाम से खोल सकते हैं क्योंकि YouTube चैनल इस नाम से कोई नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप सर्च करके देखेंगे इसके .com भी डोमेन अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पर .com डोमेन यहाँ पर ग्रीन हो चुका है। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि यह अगर मैं इस नाम से चैनल खोलता हूँ या फिर वेबसाइट बनाता हूँ तो यह कितना रैंक करेगा। यहाँ पर ग्रीन आपको सिग्नल दिख रहे हैं ज़्यादातर, तो आप इस पर वर्क कर सकते हैं। ऐसे करके आप अपना जो वेबसाइट या फिर कुछ भी अपना यूट्यूब चैनल का नाम ढूंढना चाहते हैं तो आप ढूंढ सकते हैं। तो यह हमारा लास्ट वेबसाइट था दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इस वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों क्योंकि बहुत ही अच्छी अच्छी वेबसाइट्स आपको मैंने ढूंढ कर दी हुई है। तो बाय बाय, गुड बाय, चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, फिर से मिलेंगे। मेरा आशिक है दीवाना है, मेरे प्यार में डूबा परवाना है, परवाना है।